एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर समारोह की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं अनर्गल बयानों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस बार एनसीपी के शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आवाड के बयान पर विवाद हो गया है। एनसीपी नेता जितेंद्र आवाड ने कहा कि भगवान राम मांसाहारी थे। उनके पास बयान पर एनसीपी के ही अजित गुट के कार्यकर्ताओं ने आवाड के खिलाफ प्रदर्शन किया। आज बीजेपी के नेता राम कदम मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में आवाड के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाएंगे। शरद पवार की पार्टी के नेता का विवादास्पद बयान। रामाचा आदर्श, राम हा शाकाहारी नव्हता तर मांसाहारी होता। 14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस कुठे जाणार ते शाकाहारी शोधायला। प्राण प्रतिष्ठा से पहले विवाद खड़ा करने की साजिश। कॉन्ट्रोवर्सी क्या, राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। कुठे जाणार ते शाकाहारी शोधायला। देश के करोड़ों राम भक्त अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में हैं। अयोध्या सज रही है, घर घर अक्षत के जरिए न्योता दिया जा रहा है। ऐसे में हताश विपक्षी पार्टियों ने विवाद खड़ा करने का अभियान शुरू कर दिया है। इस बार NCP के शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आह्वाड़ के बयान ने बखेड़ा खड़ा कर दिया है। शिरडी में पार्टी के शिविर के दौरान शरद पवार गुट के नेता ने ये बयान दिया। राम अपना है, बहुजनांचा है राम, शिकार करून खाणारा राम तो आमचा है, आमचा आमच्या बहुजनांचा। तुम्ही जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात तिथे आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो आहोत आणि आम्ही मटण खातो। रामाचा आदर्श, राम हा शाकाहारी नव्हता तर मांसाहारी होता। 14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस कुठे जाणार ते शाकाहारी शोधायला। बरोबर आहे की नाही? जे बोलतो ते खरं बोलत असतो मी। इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया। NCP के ही अजित पवार गुट के नेता ने जितेंद्र आह्वाड़ का विरोध शुरू कर दिया। उनके घर के बाहर प्रदर्शन के लिए पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें घर से 200 मीटर दूर रोककर हिरासत में ले लिया। आह्वाड़ के समर्थक भी पहुंच गए। नेताजी अपने बयान पर अड़े रहे। जिस वक्त ये व्यवस्था थी तब राइस नहीं था, तब खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। लेकिन आप कह रहे हैं इसको लेकर कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं होती आपको नजर नहीं आ रही, क्योंकि राम को मांसाहारी क्या कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी क्या, राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। आप अपने कहे पे कायम है बिल्कुल इसको? अरे बिल्कुल कायम है यार। आप क्या भारत को शाकाहारी बनाना चाहते हैं क्या? इस देश के 80% लोग आज भी मांसाहारी है, वो राम भक्ति है ना। आह्वाड़ के बयान के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। आज बीजेपी के नेता राम कदम जितेंद्र आह्वाड़ के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की तैयारी कर रहे हैं। अजीत पवार गुट के नेता उन्हें ज्ञानी बताकर कटाक्ष कर रहे हैं। तो डॉक्टरेट है, डॉक्टरेट उनके पास है, जगन मान्य इतिहासकार और सब साइंटिस्ट एक ही है, जो कुछ आप जिनका नाम ले रहे हैं वो है। इसके लिए इतने बड़े आदमी के बयान पर कुछ बयान मेरे जैसे छोटे आदमी देना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि उनका ज्ञान बहुव्यापी है। जितेंद्र आह्वाड़ को अब साधु संतों की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। उन्हें इस विषय पर शास्त्रार्थ की चुनौती दी गई है। अखिल भारतीय संत समिति धर्म समाज की ओर से जितेंद्र आह्वाड़ का तीव्र शब्दों में निषेध व्यक्त करता हूं और राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि इस जितेंद्र आह्वाड़ के ऊपर जल्द से जल्द कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जो हिंदू जन भावनाओं को हमेशा दुखित करता है उसकी अज्ञानता उन्होंने समाज के सामने रखी है, और मैं उनको आह्वान देता हूँ कि राम और रामायण के ऊपर नासिक आकर शास्त्रार्थ करे और अपना ज्ञान सिद्ध करे, अन्यथा समस्त हिंदुओं से माफी मांगे। विवाद खड़ा करने की कोशिश कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने भी की। दिग्विजय ने सवाल पूछा कि मंदिर में नई मूर्ति स्थापित करने की जरूरत क्या है। मुझे कोई न्योते की आवश्यकता नहीं है, हमारे हृदय में बसे हैं भगवान राम। पहली बात तो यह है कि
जिस रामलला की लड़ाई पर मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहाँ है? वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई? नई मूर्ति कहाँ से आ रही है? वो रामलला की मूर्ति जिस पर कि सारा झगड़ा हुआ, वो कहाँ है? इस पर हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि नई मूर्ति की आवश्यकता क्या पड़ी। दिग्विजय सिंह ने उस मुद्दे पर विवाद खड़ा करने की कोशिश की है, जिस पर ट्रस्ट कई बार बात साफ कर चुका है। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने कहा है, ट्रस्ट की तरफ से कहा जा चुका है कि रामलला की जिस मूर्ति की फिलहाल पूजा हो रही है वो छोटी है, भक्तों को दूर से दिखाई नहीं देगी, इसलिए रामलला की 51 इंच ऊंची नई मूर्ति बनाई जा रही है। जो मूर्ति अभी स्थापित है उसे भी राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा।